हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मास्टर शीट से मल्टीपल शीट में डेटा ट्रांसफर करते हैं। मास्टर शीट में ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, सैलर, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट गिवन है। थ्री टाइप्स ऑफ सैलर गिवन है, कंप्यूटर वर्ड, एबीसी स्टोर और एक्स वाई जेड। हमें इस मास्टर टेबल से इन तीन सैलर की टेबल पे डेटा ट्रांसफर करना है, और अगर हम इस मास्टर टेबल में कुछ भी अपडेट करते हैं तो वो अदर टेबल में भी अपडेट हो जाए। इसके लिए हम पहले इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इस टेबल का स्टाइल चेंज करेंगे, फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, ओके पे क्लिक करेंगे। स्टाइल चेंज करने के बाद कंप्यूटर वर्ड सैलर टेबल पे जाएंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे फिल्टर इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट देन एरे, एरे में हम फर्स्ट मास्टर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने के बाद इस सेल का एड्रेस यहाँ आ जाएगा, देन फॉर्मूला टैब में कॉमा लगाएंगे। अब हमने कंप्यूटर वर्ड सेलर टेबल में डेटा ट्रांसफर करना है मास्टर टेबल से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस मास्टर टेबल में सेलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सेलर कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हमने किसका डेटा ट्रांसफर करना है, कंप्यूटर वर्ड सेलर का इक्वल, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कंप्यूटर वर्ड, इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, सी। कंप्यूटर वर्ड सेलर टेबल का डेटा ट्रांसफर हो गया। चेक करते हैं मास्टर शीट में फर्स्ट 11, देन 14, देन 17, 11, 14 एंड 17, सी 11, 14 एंड 17। अब हमने एबीसी स्टोर में ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे, कंप्यूटर वर्ड टेबल में जाएंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्मूले को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एबीसी स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद इस कंप्लीट फॉर्मूला को यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमने कौन से सेलर का डेटा ट्रांसफर करना है, एबीसी स्टोर, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एबीसी स्टोर, एबीसी स्टोर, देन प्रेस एंटर सी। डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ, चेक करते हैं, हमने एबीसी नहीं लिखा, हमने सी ए बी सी लिखा है, यहां से हम सी को रिमूव कर देते हैं, देन प्रेस एंटर सी। अब चेक करते हैं मास्टर शीट में एबीसी स्टोर का कौन कौन सा है, 12, 15 एंड 18, 12, 15 एंड 18, 12, 15, 18, राइट। अब हमने करना है एक्स वाई जेड टेक का, सेम फॉर्मूला यहां से कॉपी करेंगे, यहाँ से हमने फॉर्मूला को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक्स वाई जेड टेक पे गए, फर्स्ट सेल पे क्लिक किया, यहाँ हमने फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया। अब हमने किसका करना है, एक्स वाई जेड टेक का, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एक्स वाई जेड टेक, प्रेस एंटर सी। एक्स वाई जेड टेक का हो गया, मास्टर शीट में जाके चेक करते हैं, एक्स वाई जेड टेक 13, 16 एंड 19, 13, 16 एंड 19, राइट। अब हम मास्टर शीट में अपडेट करते हैं, यहाँ हम ऑर्डर आईडी चेंज करते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं 20, मैंने यहाँ 20 कर दिया। अब हम कंप्यूटर वर्ड में जाके चेक करते हैं, तो यहाँ भी 20 हो गया, राइट, क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।